वो अभी सिद्धार्थ के साथ में नाटक कर रही, मुझे नहीं लग रहा कि वो सही है। मतलब इस बार का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। रेड चिली और ग्रीन चिली ज्यादा ही पसंद है उसको, कटावा मिर्ची। एक जन फाइट करते थे बाकी सब चुप रहते थे, बट दिस टाइम द सीन्स द टारगेट इज सिद्धार्थ। रिसेंटली शिफाली अच्छी लगने लगी और रश्मि की लड़ाइयां अच्छी लगती हैं। सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो पूरा दिमाग से खेलते, क्यूट गर्ल्स का यही होता है मैच में थोड़े नल्ले होंगे सारे सीजन से ये ज्यादा मतलब रोमांचिक, मतलब ज्यादा सस्पेंस है इसमें, लड़ाइयाँ देखने मिल रही हैं, अलग अलग तरह के लोग देखने मिल रहे हैं। ही तो वो अच्छा है, लोग मतलब उसमें बेवजह का झगड़ा नहीं किया इन लोगों ने स्टार्टिंग में। उसके बाद पहले स्टार्टिंग में क्वीन वगैरह बनाने का जो था उन्होंने पहले से फिक्स कर दिया था, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इस बार का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ ज़्यादा ही फाइट्स है, आर्ग्यूमेंट्स है, एंटरटेनमेंट ज़्यादा है, मिर्च मसाला लेके चलो तो ज़्यादा है। इन लाइक इंडियन पॉपुलेशन के लिए अगर कोई टीवी में आएगा है तो देखेगा, टेलीविजन देखेगा, सीरीज देखेगा, तो अगर उसको तड़का और रेड चिली और ग्रीन चिली ज़्यादा ही पसंद है, उसको कटावा मिर्ची, तो उसको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट वो चीज़ लगेगा। बट पॉलिटिक्स भी हो रहा है बहुत ज़्यादा और थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बट अच्छा लगता है जब कोई ना कोई लड़ता रहता है, क्योंकि वो हमारे को अगर पसंद आता है लड़ाई झगड़ा तो सारे उसी को देख के बैठ के देखेंगे, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आता रहेगा, कोई लड़ रहा है, कोई मारपीट करने आ रहा है, तो ऐसी चीज़ों में अच्छा हो जाता है। ये शो पिछले शो से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसमें जैसे हम देख सकते हैं द फाइट्स विच आर गोइंग ऑन, इवन द एवरीथिंग इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक लास्ट टाइम होता था एक जन फाइट करते थे बाकी सब चुप रहते थे, बट दिस टाइम द सीन्स द टारगेट इज सिद्धार्थ, सो एवरीवन इज कमिंग ऑन हिम टुगेदर एंड दे आर फाइटिंग लाइक एनीथिंग, सो इट्स इज मेकिंग इट मोर इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा लग रहा है, पहले तो मज़ा नहीं आ रहा था लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। अभी सिद्धार्थ का चेंज देख के अच्छा लग रहा है कि वो सबसे थोड़ा झगड़ा कम करके हंसी मजाक थोड़ा अभी हंसने को देख रहा है, सिद्धार्थ को हंसते हुए देख के अच्छा लग रहा है, आसिम और सिद्धार्थ को देख के, लेकिन झगड़ा हो रहा है वो भी नहीं अच्छा लग रहा है। ऑल टाइम की तरह अच्छा सीज़न है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने को, और हम तो देखते हैं डेली, अगर उस पर नहीं देख सकते लाइव तो वी वॉच दैट एपिसोड ऑन वूड ऑल्सो, तो भाव की एंट्री हो गई इस वजह से। काफ़ी इंटरटेनिंग है इस बार का, इस बार काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही है तो काफ़ी इंटरटेनिंग है इस बार। भाव और सना एंड रश्मि, सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम, मतलब इन लोग का पूरा टीम मुझे अच्छा लगता है। आई थिंक सिद्धार्थ, शहनाज एंड परस। आएगी शहनाज, शी इज़ बिकॉज ये तो डेफिनेटली शी इज़ द क्यूटेस्ट, देन सिद्धार्थ because although he's short tempered but whatever he says is direct on his face, he doesn't do like back biting and something like that, and third वैसे खास तो कोई है नहीं। मेरा सब में ज़्यादा तो सिद्धार्थ ही है, क्योंकि वो गुस्से वाला है लेकिन वो फेयर है, वो दिमाग से ही काम करता है और प्लस वो दोस्तों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता है। और दूसरा आसिम है, लेकिन आसिम को ऐसा है कि वो अभी चिढ़ रहा है दूसरों से कि वो सिद्धार्थ दूसरों को अटेंशन क्यों दे रहा है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि वो देबोलीना से इनसे सबसे ज़्यादा बात कर रहा है, तो आसिम को थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है। और तीसरा तो अभी मुझे रिसेंटली शिफाली अच्छी लगने लगी। सिद्धार्थ ऑन द टॉप, ही इज़ अ गुड लुकिंग पर्सन, मसल मैन, मुझे पसंद है वो, बालिका वो दूसरी पसंद है, वो लड़कियों को ईजिली इम्प्रेस कर लेता है। सना या वो फनी है बट बहुत अच्छी है प्लेयर, वो एंटरटेन करती रहती है घर वालों को। हिंदुस्तानी भाव, दे आर वेरी कूल पर्सन, उनकी वजह से गालियाँ सीखी हूँ मैं। वन इज़ मोस्ट फेवरेट हिंदुस्तानी भाव एंड रश्मि। रीज़न बिकॉज तीनों एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है। भाव का मतलब पर्सनैलिटी, उनकी बोलने का तरीका, उनका हर चीज़ बहुत, हाँ स्वैग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सना मस्ती करती हैं थोड़ा, तो वो ज़्यादा फनी, मतलब फ़नी होता है बहुत ज़्यादा। और रश्मि की लड़ाइयाँ अच्छी लगती हैं, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो पूरा दिमाग से खेलते हैं, मतलब जो भी है बहुत स्ट्रेटजी बना के खेलते हैं, झूठ मूठ के इधर उधर के पचरों में नहीं रहते हैं कि मतलब हाँ ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी की कंप्लेन नहीं करते, किसी की शिकायत नहीं करते, मतलब जो अपने ग्रुप का है बस उसी की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें बहुत कम करते हैं वो तो वो मतलब आधे पॉपुलेशन देखा जाए ना तो आधे लाइक क्यूट गर्ल्स का यही होता है कि मैच में थोड़े नल्ले होंगे बट काइंड ऑफ उसी में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि लड़के उधर ही जाएंगे अगर पॉइंटर्स देखा जाए तो लड़के का आई अपीलिंग हमेशा क्यूटनेस वालों पे होता है, तो काइंड ऑफ इट्स काइंड ऑफ अ गुड वे ऑल्सो फॉर एंटरटेनिंग गाइज अराउंड एंड ऑल, द सिचुएशन इज काइंड ऑफ प्लस एंड नेगेटिव बोथ,
So it depends on according the situation, however the, you know, going up and down the level and all that stuff. Okay, Bhav is okay. Like, since the time he entered in the Big Boss house, we must respect it, that the way he uses the words outside for everyone. Mm. But he has controlled his temper for that and is like explaining everyone that what is wrong or right. Mm-hmm. So in one sense, he is also good. शिफाली अभी वो अच्छे से खेल रही है, मतलब उसमें अभी ये नहीं दिखा है कि वो अपने लिए सोच रही है, नहीं वो भी फेयर गेम खेल रही है। वो प्यार व्यार कुछ नहीं है, वो डेबलोना दिख नहीं रही थी, लोग उनके ऊपर कमेंट कर रहे थे कि आप दिख नहीं रहे शो पे, तो शी यूज सिद्धार्थ फॉर दैट पर्पज कि मैं उसकी वजह से दिखूँ। द वे ही टॉक्स, हाँ मतलब वो जिस तरह से लोगों को अपना रिप्लाई देते या किसी को कुछ बताना हो तो वो जिस वे में बताते ना, दैट्स ऑसम। संजू बाबा की याद भी दिला देते हैं। या वो एक्चुअली थोड़ा सा वो हाइपर हो जाते हैं चीज़ों को लेके, लड़ाइयाँ होती हैं तो उनको थोड़ा कम डाउन होके उनको सॉल्व करना चाहिए, बट वो ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं तो इसीलिए ज़्यादा उनको, और ऐसा लगता भी है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आके अपना आपा खो देते हैं। वो बहुत शॉकिंग है, एक्चुअली में वो बहुत शॉकिंग है। ये देवोलिना ने मतलब अपने आप को दिखाने के लिए ये सब किया है, ऐसा ही मुझे लगता है। हाँ मेरे हिसाब से तो वो फेक है, जब से वो दोबारा घर में आई है तब से मुझे फेक लग रही है, क्योंकि वो बार बार सलमान ने बोला था ना कि सिद्धार्थ शुक्ला को सब टारगेट करके चलते हैं ताकि उन्हें मत सब दिखाई दे, और रियली में यही दिख रहा है सबको कि वो उनको टारगेट करके चलते हैं ताकि सब दिखाई दे। वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब आप एक ब्रदरहुड जैसे एक साथ निभाते हो तो आप कुछ ब्रदरहुड के साथ ही निभाया करो, कि वो बोलते हैं ना कि एक साइड से अगर कोई चिंगारी मार रहा है तो चिंगारी सुन के तुम आगे मत फिसलो, अगर टेढ़ी उंगली में कोई घी में टेढ़ा उंगली डाल रहा है और निकाल रहा है घी टेढ़ी उंगली से बाहर, घी तो आराम से निकल जाएगा, बट एक्स्ट्रा घी अगर तुमको निकालना है तो वो तो बस बिरयानी में अच्छा लगेगा ना एंड ऑफ द डे। बट ब्रदरहुड और सिस्टरहुड एक चीज़ होता है जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड टूटते हुए अच्छा वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर रिलेशनशिप में या ब्रदर और सिस्टर्स में लड़ाई झगड़ा हर चीज़ में होता है, बट अगर उसको निभा के अच्छा रखेगा तो ज़्यादा बेटर होता है। आई थिंक इट्स अ टाइप ऑफ गेम प्लान दैट डेवोलिना इज मेड फॉर सिद्धार्थ, बिकॉज जो इतने बड़े एनिमी थे सडनली हाउ दे कैन कम सो क्लोज, सो इट्स काइंड ऑफ समथिंग गेम प्लान। पकड़ा पानी वैसे इन द सेंस मे बी उनका जो उनकी फ्रेंड है रश्मि उनसे बहुत अच्छा है, तो शायद उनका रिवेंज लेना चाहती है, तो मे बी उसी के लिए शायद वो लाइक शी इज़ मेकिंग क्लोजनेस विद सिद्धार्थ। ज़्यादा लगता है देवोलिना ये सब सिर्फ एक नाटक कर रही है, क्योंकि जिस तरह से वो पहले कर रही थी और जो चार दिन बाहर रह के आई है तो मतलब उनको पता चल गया है कि सिद्धार्थ ही मेन है, इसके लिए वो अभी सिद्धार्थ के साथ में नाटक कर रही, मुझे नहीं लग रहा कि वो सही है। हाँ सिद्धार्थ शॉर्ट टेम्पर है और उनको थोड़ा नेचर अपना चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं जो कि मायने भी नहीं रखता इतना कुछ। बाकी तो वो ठीक है, लेकिन अच्छा है, अच्छा लगता है वो देखने के लिए, यही रीज़न है और कुछ नहीं है, 100% है, बिकॉज आई एम ऑल्सो शॉर्ट टेम्पर, अगर कोई मेरे को प्रोवोक करता है तो मैं ईजिली प्रोवोक हो जाती हूँ, वैसे ही उसका है, वो बहुत अच्छे से कोई टास्क करता है पर उसको अगर 1% प्रो का किया तो वो इजीली शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, एंड पीपल नो अबाउट इट जो बिग बॉस के घर के अंदर खेल रहे हैं, वही करते हैं वो लोग, प्रोवोक करते हैं वो भड़क जाता है और वही उल्टी सुल्टी चीज़ें कर देता है, वो नहीं करना चाहिए। एज वी नो सिद्धार्थ इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, तो उसका फ़ायदा देवोलिना उठाती है और वो उससे इसके लिए क्लोज हो रही है ताकि वो उसका फ़ायदा उठा के घर में अपनी जगह बना के रख सके, बिकॉज ना तीनों पहले साथ में थे तो एक दूसरे के सुनते थे, और सिद्धार्थ की जो नहीं सुनता है सिद्धार्थ उसको अपना दुश्मन मान ले रहे हैं, बस यही है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हैं, बातें करके मतलब चीज़ों को सॉल्व कर ले रहे हैं, पहले मतलब इधर की बात उधर होती थी तो इसीलिए ज़्यादा और मतलब झगड़े होते थे, अभी नहीं हो रहे इसीलिए क्योंकि वो लोग बातचीत करके सॉल्व कर लेते हैं चीज़। प्यार बदल रहा है वो तो हमको टीवी पे या सीरियल्स की उसमें ज़्यादा अलग ही दिखेगा, बिकॉज वंस यू आर ऑन टेलीविजन दे जस्ट शो इट डिफरेंटली, सो यू डोंट नो इफ इट्स रियलिटी और इट्स फेक, बट इफ़ यू आर आउट ऑफ द शो यू माइट गेट टू नो लेटर ऑन लाइक इफ इट्स रियल एंड इट्स गोना लास्ट और नॉट, एंड एज पर सलमान सर एक्चुअली सेड लाइक यू नो दे गोना गो लाइक इफ ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एंड इफ ही हैज़ दैट राइट टू विन, so it depends on the population who is voting for him, so that depends on the people who are liking him and going forward, so I would just say all the best to him and good luck.
हाँ वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, बट द थिंग इज वी मस्ट नो टू कैन, एक ही घर पे अगर सब शॉर्ट टेम्पर्ड या फिर कोई लाइक वेरी काम हुआ तो मज़ा ही क्या. तो ऑल दो शॉर्ट टेम्पर, बट उन्होंने आज तक किसी के ऊपर हाथ उठाया नहीं है. वो जो बोलते वो सिर्फ बोलते हैं, सो वो तो चलता है कहीं भी, क्योंकि अगर कोई भी घर में फाइट ना हो तो वो तो इंटरेस्टिंग बनता ही नहीं है ना. तो द थिंग इज आसिफ और सिद्धार्थ के बीच दो फाइट हो रहे हैं. सो वी से ना कि टॉम एंड जेरी जितना भी लड़ ले बाद में एक साथ आ ही जाते हैं. तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या पता वो एक साथ आ जाए फिर. लड़ाई क्यों हो रही है? तो क्योंकि मेरे को तो यही लग रहा है कि आसिम को पसंद नहीं आ रहा है कि वो सिद्धार्थ किसी और से करे, इसलिए आसिम अभी ज़्यादातर ज़्यादा छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जा रहा है. जबकि सिद्धार्थ का लेना, अभी सिद्धार्थ ने उसको सेफ भी किया है, अभी इस बार उसको सेफ भी किया, लेकिन फिर भी आसिम को मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रही. उसको ऐसा लग रहा है कि अगर सिद्धार्थ वहाँ चला गया तो आसिम का तो बचने का चांस है ही नहीं. आसिम हर बार सिद्धार्थ के थ्रू ही बचते हुए आया है. वो हर बार जब भी नॉमिनेशन की बात होती है तो वो सबके पीछे मैं हूँ, मैं मेरे को याद रखना, मेरे को याद रखना, ऐसा ही करके बोलता है कि अगर तुमको इम्यूनिटी मिलेगी तो तुम मुझे याद रखना, मुझे याद रखना. तो मुझे ऐसा लगता है आसिम तो यही सोचता है, क्योंकि अगर सिद्धार्थ वहाँ चला गया तो आसिम को थोड़ा कम ही हो जाए. कुछ नहीं, बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों के अंदर, तो ये शो के बाहर तो नहीं चलेगी. बिकॉज एवरीवन पिंच हिम एवरी टाइम एंड वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है अगर कोई उसे पिंच करता है तो. बहुत वो तो फेवरेट, बहुत ज़्यादा वो फेवरेट है मेरी. उसकी हरकतें, उसका बोलना, कोई भी चीज़ को लेके हर चीज़ को मस्ती में वो कर देना. बट वो रोती भी बहुत है, बहुत मतलब, और वो मतलब उनको ऐसे बच्चे की जैसी लगती हैं, वो बच्चे की जैसा उनका दिमाग लगता है. शॉर्ट टेम्पर है बट उनका गुस्सा कहीं ना कहीं जायज़ भी है. अब किसी का तो नेचर नहीं बदल सकते ना, उनका जो नेचर है वो सामने लेके आए, कम से कम छुप छुपा के तो नहीं खेल रहे हैं. जो नेचर है वो सामने बोल रहे हैं उस चीज़ के लिए. नहीं, और है भी नहीं, रियल है भी नहीं, वो फेक है, वो पूरा दिख रहा है वो फेक है. नहीं, आसिम की तरफ से बिल्कुल फेक नहीं. आसिम का एक ये फेस देखा मैंने कि वो एकदम सच्चाई का साथ, मतलब ट्रुथ है, जो भी है मुँह पे है. सिद्धार्थ शुक्ला अगर कुछ गलत कर रहा है तो वो मुँह पे बोलता है कि भाई तू गलत है, कुछ उसने झूठ नहीं बोला किसी चीज़ के लिए भी. हाँ, एक चीज़ गलत है उसका कि वो मन में बात रखता है. वो स्टार्टिंग के जैसे बातें निकाल के बाद में लाया वो गलत था, मगर वो आपके मन में शुरू से बातें थी तो आप दोस्ती में क्लियर कर लो ना. लड़ाई करके क्लियर करने का कोई मतलब नहीं बनता ना, तो वो उसका गलत था. कि आसिम चाहता ही, आसिम चाहते ही नहीं थे कि मतलब शहनाज वापस से दोस्ती बनाए. और शहनाज वैसे भी विश्वास करने के लायक नहीं है, वो तो दिख रहा था कभी उधर, कभी पारस के पास चली जाती है, कभी यहाँ आ जाती है, तो उसका तो था ही नहीं ये. उसको ये सब नहीं करना चाहिए अगर बने रहना है आगे. तो बनी तो रहेगी क्योंकि वो थोड़ा इंटरटेन करती है, बट ये जो कर रही है वो गलत है. हाँ, ऐसा लगता, अब तो लगता है, पहले तक क्या था उसका ये नहीं लगता था, अब उसको लगता है कि ये ऐसा कर रही है बने रहने के लिए. बट इंटरटेनिंग है ये, अच्छी है, उसमें अच्छी बातें हैं उसके लिए. सी आई एम अ गर्ल, अगर मैं कुछ बोलूँगी तो पता चला घूम फिर के मेरे को ही तीर आएगी. सो आई वुड जस्ट से, सी इफ यू आर रियली रियल एंड यू वांट टू बी रियल विथ हिम, गो फॉरवर्ड एंड टेक थिंग्स फॉरवर्ड, बिकॉज इन द एंड वी ऑल आर जस्ट सीइंग यू ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म. सो इफ यू जस्ट लुक एट यू ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म, नो डाउट यू आर अ फेक और अ रियल पर्सन, दैट्स अप टू यू, वी कांट जज यू, बट मीडिया विल जज यू. You know, end of the day, it's all about media and the people are gonna judge you. But as a human being, I'll treat you as a human being also. So it depends on how you wanna come ahead, because you are gonna be in the limelight, not many of us. And if we wanna help you, like as fans or as persons to go forward, so that's just our point of view to even help you and all that stuff. 50% we can see that, because जैसे हम देख रहे हैं कि शहनाज और सिद्धार्थ दे आर कमिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो मे बी आसिफ को अनप्रोटेक्टिव फील हो रहा है, लाइक ही इज़ फीलिंग अनसेफ कि मेरा फ्रेंड दूसरे के पास कैसे जा सकता है. एंड मे बी आसिफ को लगता हो कि शहनाज अच्छी नहीं है, लाइक वो पलटती है, इधर से उधर जाती है. तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट उन्हें ऐसा फील हो रहा हो. शहनाज भी अच्छी है लेकिन उनका रोना मुझे फेक लगता है. वो जिस तरह से रोती है मुझे लगता नहीं कि वो सही रोती है, मुझे वो फेक लगता है. लेकिन शहनाज मुझे बहुत अच्छी लगती है. आसिम एक्चुअली कांट अंडरस्टैंड कि सिद्धार्थ क्या बोलना चाहता है, और सिद्धार्थ को पता नहीं चलता कि उसको कैसे हिसाब से समझाना है उसे. तो वही मिसमैच है, बात करने का तरीका नहीं एक दूसरे से, एंड वो फाइट करते रहते हैं, वही इमेच्योरली फाइट करते रहते हैं कोई भी चीज़ के ऊपर. हाँ हाँ, पहले काफ़ी फ्रेंड्स थे, बट अभी डेवोलिना और सिद्धार्थ काफ़ी क्लोज हो रहे हैं, तो उससे आसिम को देखा नहीं जा रहा है, इसके लिए शायद से ये लोग का झगड़ा इतना हो रहा है. और